नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी आने का आप कंसिडरेशन कर रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। ये ऐसी वीडियो है जो कि कोई भी इंसान जो कंसिडर कर रहा है जर्मनी में पीजी करने के लिए, ये बेसिक्स वाली वीडियो सबसे पहले देखनी चाहिए, सबसे पहले। क्योंकि ये वीडियो इतने सारे सवालों के बाद जाकर मैंने वापस बनाई है कि ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, चाहे आप अपनी MBBS एजुकेशन पे हैं, कंसिडर कर रहे हैं जर्मन सीखना और जर्मनी आना, या फिर डॉक्टर बन चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, MBBS खत्म हो चुका है, चाहे वो चाइना में हो, रशिया में हो, या इंडिया में हो, या पाकिस्तान में हो, और जर्मनी आकर पीजी करना चाहते हैं। क्या वो बेसिक्स हैं जो कि सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए, उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं कि जर्मनी आए या नहीं। तो अंत तक इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जर्मनी जा रहे हैं, जर्मन बोलनी आनी चाहिए क्या? बड़ा प्यारा सवाल है ये। बट यस, जर्मनी में ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन भाषा है। अब कई लोग अगर बर्लिन में रहते हैं तो वो इंग्लिश से काम ले सकते हैं, IT में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, इंग्लिश से काम कर सकते हैं। बट अगर आप डॉक्टर हैं और जर्मनी में पीजी करना चाहते हैं तो सारी की सारी भाषा जर्मन बोली जाएगी, चाहे वो मरीजों के साथ हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे अस्पताल में कॉलीग्स के साथ हो। इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल, यू हैव टू लर्न जर्मन, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज इज जर्मन, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स। अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ B2 इज रिक्वायर्ड टू लर्न जर्मन फॉर, बट आई वुड रिकमेंड यू लर्न अप टिल C1। और जनता के लिए तो चलो इम्पॉर्टेंट है, बट आप डॉक्टर हैं तो जीने मरने का सवाल बन सकता है। तो एक पेशेंट से, उसकी फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए अगर आप क्लिनिकल डॉक्टर क्लिनिक्स में काम करना चाहते हैं तो जीने मरने का सवाल है। तो भाषा पे खूब ध्यान दीजिए, तभी ये पहला पॉइंट बना है डिस्कशन का। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक्स जो पता होने चाहिए, जर्मनी में डॉक्टरी जर्मन में होगी। पॉइंट नंबर 2 इज मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। अब ये भी अधिकतर सवाल मेरे पास आता है, इसीलिए मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। MBBS आप दुनिया में कहीं से भी करें, MBBS ख़त्म करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, वो सिग्निफाई होता है 3 चीज़ों से। डिग्री MBBS की, इंटर्नशिप जो आपने वक्त बिताया उसका सर्टिफिकेट, एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन, चाहे वो किसी भी शहर या देश में हो। दीज 3 थिंग्स यू एब्सोल्युटली नीड टू प्रूव दैट यू हैव कंप्लीटेड MBBS और आप पूरी तरह डॉक्टर बन चुके हैं और आपको लीगली परमिशन है प्रैक्टिस करने की। मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, चाहे उस देश में जिसमें आपने पढ़ाई करी है या उस देश में जिसमें आप पैदा हुए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आप नहीं रजिस्टर हो सकते। चाहे अप्रोबेशन लेना हो जो परमानेंट लाइसेंस है, या चाहे बेरूफ सलाउमेंस लेना हो जो टेम्पररी लाइसेंस है, दोनों के लिए आपको प्रूफ सबमिट करना होता है। और वन ऑफ दोज प्रूफ्स इज द सेकेंड पॉइंट, मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रोबेशन क्या चीज़ है, कैसे अप्रोबेशन लें, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो यहाँ ऊपर आएगी। अगर आप जर्मनी में पीजी कंसीडर कर रहे हैं कि मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए ही चाहिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, मेडिकल डिग्री चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है अगर आप कंसिडर कर रहे हैं पीजी इन जर्मनी करने के लिए, वो है रियलिस्टिक टाइम एक्सपेक्टेशंस रखना। आपको आज अगर अपनी जर्नी शुरू करनी है जर्मनी आने के लिए, तो आपको जर्मन सीखनी है, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, फिर वीज़ा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपको वीज़ा मिलेगा, फिर आपको हॉस्पिटेशन मिलेगी जर्मनी में, आप हॉस्पिटेशन करेंगे, हॉस्पिटेशन के वक्त ट्राई करेंगे कि आपको जॉब मिल जाए, फिर आपके साथ साथ वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स के। ये सारी स्टेप्स वक्त मांगते हैं, तो ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा कि आपको पीजी मिल गई, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल की जर्नी है। आज अगर आपने डिसाइड किया कि आप जर्मनी में पीजी करना चाहते हैं, तो आज से 1.5 या 2 साल बाद जाकर आप अपनी जॉब शुरू करेंगे पीजी की। पॉइंट नंबर 3 जो कि ज़रूरी है,
जानना बिफोर यू स्टार्ट पीजी इन जर्मनी इज सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और चौथा पॉइंट जो कि आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप पीजी इन जर्मनी कंसिडर कर रहे हैं इज हैविंग अ गुड फाइनेंशियल प्लान। जर्मन सीखने के लिए आपके पैसे लगेंगे, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आपके पैसे लगेंगे, वीज़ा के लिए आपके पैसे लगेंगे, हॉस्पिटेशन के वक्त आप कहाँ रहेंगे जर्मनी में उसके पैसे लगेंगे, ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको पैसे लेके जाने हैं उसके लिए आपके पैसे लगेंगे। सो यू हैव टू हैव अ साउंड फाइनेंशियल प्लान बिफोर कि आप स्टार्ट करें अपनी जर्मनी की यात्रा को। तो दोस्तों ये थे वो चार क्रिटिकल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन था जर्मन सीखना इज अ नॉन नेगोशिएबल, तो सीखनी है। पॉइंट नंबर टू था मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री था रियलिस्टिक टाइम एक्सपेक्टेशंस एंड पॉइंट नंबर फोर था गुड फाइनेंशियल प्रिपरेशन। ये थे वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था और आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई और जानता है तो शेयर नहीं करता, पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं आपको झूठ बोल के यहाँ पर लाना नहीं चाहता, मैं आपको कोई अनरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहता, मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में हैं और कैसे आप उन चीज़ों को पार कर सकते हैं। इसी पे पूरा मेरा चैनल बना हुआ है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो में वैल्यू मिली तो हिट द लाइक बटन, और अगर कोई दिमाग में सवाल आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और अगर कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, अलस गुटे।